मैंने आपको बोरी वेट्स के बारे में बताया था ना, ये सारे अपने अब बोरी वेट से सो रहे थे, अब उठ के ये मेरे साथ वॉक पे जा रहे हैं। जब मैं फार्म पे वापस जाऊंगा तो मैं आपको तुम्बा और बगीरा से तो मिलवाऊंगा ही। अभी जब हम वापस जा रहे होंगे रास्ते में हमें टोफू भी मिलेगी। मैं इस समय आया हूँ अस्पताल में। ये हमारी सारी जो रिकवरी वाले गाय बैल है ये बाहर धूप सेक रहे हैं। मेरे को भी जाना काउ शेड में। हमारे दो वॉलंटियर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि हमारे तीन स्टाफ मेंबर जो हैं वो घायल हैं, मतलब लाइन ऑफ ड्यूटी में घायल नहीं हुए, जनरल उनके एक्सीडेंट हो गए। एक विजय जो हमारे हैंडलर हैं, वो अभिषेक जो हमारा क्लीनर है, और कल हमारे डॉक्टर साहब भी घायल हो गए। तो आज हमारी क्योंकि डीप क्लीनिंग है तो ये लोग यहाँ पे डीप क्लीनिंग में हेल्प कर रहे हैं। सिम्बा, संभावना से तो आप मिले हुए हैं, नेथन गिटार भी बजाते हैं। इन्होंने प्रॉमिस किया कि एनिमल्स के लिए एक बारी बजाएंगे। आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे हिंदी में? बहुत अमेजिंग काम हो रहा है। प्लीज आ जाओ, जितने लोग होंगे उतना बेटर, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको बहुत सारे हेल्प चाहिए। थैंक यू। ठीक है, जो उन्होंने कहा। ओ, साहिल जी भी आए हुए हैं यहाँ पे। ये क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई है पूरी, हड्डी बाहर आ गया। ये जोड़ने का चांस है नहीं है? हाँ, मैं ले जाऊंगा के लिए ये फ्रेश ही है ना? नहीं सर, बोन भी अपोज हो रही है। अपोज हो रही है मतलब अंदर जा रही है बोन ना, दूसरे फैक्टरी से टच हो रही है। अच्छा, तो पॉसिबिलिटी है कि अभी हम इतना अगर कर लेंगे, जितनी जल्दी करेंगे उतना ज्यादा पॉसिबल है कि ये रिकवर जल्दी हो जाएगा। मैं ना आपको पिनिंग और प्लेटिंग का फर्क समझाया था, प्लस डॉक्टर हिमांशु ने मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो वो मुझे करेक्ट कर देंगे। पिनिंग में तो ये है कि ये जो बोन के अंदर एक पिन जाएगा और वो दूसरी साइड में भी आ जाएगा और बोन उस हिसाब से जुड़ जाएगी। प्लेटिंग होती है अगर बाहर से हम प्लेट लगाते हैं, उसको पेचों से स्क्रू से टाइट कर देते हैं, कस देते हैं, और प्लेट जो है हड्डी जुड़ने के बाद निकाल दी जाती है और पिन तो अंदर ही। कुछ केसेस में पिन अंदर रह जाती है, कुछ में निकल जाती है। किस केस में निकालते हैं, किस में रहने देते हैं? मतलब जिनमें हमें ये होता है कि फ्रैक्चर अभी ज्यादा लंबे टाइम लगा हील होने में, तो उन केसेस में बड़े जानवर होते हैं उनमें हम ज्यादा लंबे टाइम तक रहने भी देते हैं, कई बार नहीं भी निकालते हैं। छोटे जानवर जिनमें बोन जल्दी जुड़ सकती है उनमें हम पिन रिमूव कर देते हैं। पर मैंने देखा है कि पिनिंग में एक कॉम्प्लिकेशन आती है, कई बार पिन ऊपर से निकल आती है और वहां पे इन्फेक्शन हो रहा होता है। डॉग्स में तो मैंने अक्सर देखा है, हमारे एक दो डॉग्स की ऐसे डेथ भी हुई है। राइट, वो क्यों होता है कि वो पिन सही से डली नहीं या थिकनेस गलत थी? कई बार होता है कि वो सिर्फ बोन के अंदर ही है ना, कहीं उसको कुछ फिक्स नहीं है ना, तो जब वो प्रेशर लेता है, जब वो नॉर्मल वेट लेने लग पड़ता है, तो वो बिन थोड़ी सी ऊपर प्रोट्रूड करती है, तो उस वजह से वो जख्म हो जाता है। ये बच्चिया है ना? बच्चे। अब लोग कहते हैं वो वाले इंजेक्शन ले आ रहे हैं सेक्स सीमन, भाई 10 में से 9 बारी बच्चिया ही पैदा होगी, तो बच्चिया कौन सा लोग पाल रहे हैं? बच्चिया भी तो सड़क पे छोड़ ही रहे हैं। मेरे पास ना एक्चुअली साहिल के लिए क्वेश्चन है, ये इतनी गाय रेस्क्यू करता है, तुमने दूध कैसे नहीं छोड़ा? मैं दूध पीता नहीं वैसे, मेरे को ऐसे पसंद नहीं। पिज्जा खाते हो? हाँ, पिज्जा तो खाता हूँ, बट ऐसा नहीं कि रोज खाता हूँ। लेकिन ये तो शायद नेचुरली हुआ होगा ना पैदा, क्योंकि अगर कोई को पैदा करवाता तो वो इसको छोड़ता। तो गाय तो सड़क पे, वो तो पहले से किसी ने छोड़ रखी। गाय तो छोड़ी ना, तो गाय डेयरी वाले ने यूज करके ही छोड़ी ना। भाई गाय की 15 साल की उम्र होती है, 7 साल में डेयरी वाले एग्जॉस्ट कर देते हैं गाय को, क्योंकि 3 साल से प्रेग्नेंट करना शुरू किया, हर साल बच्चा। अगर वो मिल्क फीवर से नहीं मरती तो वो ऐसे ही दूध देना कम कर देती है, छोड़ देते हैं। हिमाचल में खासकर ये प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे हरा चारा ही नहीं है, देसी तो रखनी नहीं, वो तो दूध नहीं देती। रखनी सबको वो है, कौन सी है आपकी, तुम्हारी जर्सी होल्स्टीन है, खिलाने को उसको वो नहीं है, तो तुम मशीन ले आओगे बड़ी और तुम्हारे पास फ्यूल है नहीं। अगर मैं छोड़ भी देता हूँ दूध पीना, या अपने साथ 10 लोगों को छुड़वा भी देता हूँ दूध पीना, तो उसके बाद भी ये सब चीजें बंद हो जाएगी। अच्छा मुझे एक बात कहो, आज पूरी पॉपुलेशन दूध पीती है, इसीलिए लाखों करोड़ों गाय प्रेग्नेंट की जाती हैं। मान लो कि कोई भी दूध नहीं पीता, जीरो, तब हो जाएगा, तब होगा ना, तब सेफ है। तो जीरो और 100% के बीच में कहीं भी, जितना भी तुम जीरो से 100 की तरफ बढ़ोगे उतनी सफरिंग कम नहीं होगी? कम होगी, वो तो है। राइट पॉइंट है। जो एक्सीडेंट्स कर रहे हैं मैं तो उनको ब्लेम कर सकता हूँ, बट ये जिसकी बछड़ी है उसको इतना नहीं करूंगा, क्योंकि रोड पे तो सारे घूम छोड़ ही रहे हैं ना। ये एक बिल्कुल कॉमन बात है, जो भी चेन की आखिरी कड़ी होती है ना, जिसने आखिरी कांड किया होता है, सारा जो दोष है उसी के सर पे मड़ा जाता है कि भाई उसने एक्सीडेंट किया। हाँ, जिसने एक्सीडेंट किया और वो लेके नहीं गया उसकी गलती है, जिसने लेकिन सड़क पे छोड़ा उसकी भी गलती है, और जिसकी दूध की डिमांड के लिए उसने पैदा कराया तो गलती तो फिर उसकी भी
है ही है ना। अब जैसे हमारे है कि भाई कोई चोर पकड़ा जाता है उसको पीट देते हैं लोग, भाई चोर की गलती है वो चोरी कर रहा है, पर जिस समाज में वो अनएम्प्लॉयड है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हाई है उस समाज की कोई गलती नहीं है, उसके माँ बाप ने अगर उसकी परवरिश सही से नहीं करी उनकी कोई गलती नहीं है। मैं वैसे दूध पीता नहीं। साहिल के जो साथी है वो तो उठ के ही चले गए कि भाई ये तो कैमरा मेरी तरफ घुमा देगा। साहिल जैसे और लोगों की आवश्यकता है, देखो ये अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी काम में लगा हुआ है, एज एन इंडिविजुअल लगा था क्योंकि इसको कोई मिला नहीं और फिर अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। मुझे लगता है दुनिया में कन्वेंशनली कामयाब से ज्यादा कंपैशनेट लोगों की आवश्यकता है। ये जो भाई साहब का इलाज चल रहा है इनके पीनस में कट लगा हुआ है, यूरिन तो नहीं निकल रहा है यहाँ से ना, निकल रहा है तो यानी कि पीनस भी कट गया है। ये हमारा ट्रीटमेंट वाला जो जुगाड़ है ना, इससे एक फायदा हो जाता है कि एक बंदा यहाँ पे कम लगता है भाई, रस्सी पाइप से हमने बांध दी, तो एक वेट डायग्नोसिस के लिए, पैरा वेट ट्रीटमेंट के लिए और एक हैंडलर इनको शांत रखने के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दूंगा कि भाई अगर गाय बैल है उनको रस्सी से कैसे ऐसे करना है कि वो धड़म करके ना गिरें और आराम से हम उन्हें बिठा के ट्रीट कर सकें। इन लोगों का ना यार यही खतरा रहता है, जैसे अभी ये उठने लगा था मेरे पीछे। आपको नींबू से भी मिलवाता हूँ, जिसकी पिछले हफ्ते सर्जरी होनी थी लेकिन हो नहीं पाई। का ये जो पैर है ये कटेगा, आगे वाला पैर है, फिर ये अगेन पीपल फार्म में हमारे साथ परमानेंटली रहेगा, जिस बारे में खास खुश नहीं हूँ। पिछले हफ्ते एम्पुटेशन सर्जरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो बांसुरी करके एक पिग ट्रैप वाला डॉग आया हुआ है ना, जिसका हमको लगा था कि पैर बच जाएगा, उसकी पूरी स्किन ही उतर गई थी, उसकी एम्पुटेशन हमने करी है। चंबी भाग यहाँ से, ये नेबरहुड डॉग्स हमारे यहाँ पे इतने इकट्ठे हो जाते हैं भाई। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको तुम्बा से मिलवाऊंगा, बघीरा से मिलवाऊंगा, बघीरा तो वैसे ही हु कर रहा है। तुम्बा की ना एक बड़ी क्यूट आदत है, ये सारे जो भी हमारे चाहे गाय हैं बैल हैं उनके पीछे पीछे उनके नीचे घुसता है, ये दूध ढूंढ रहा है। इसको दूध आहट का पसंद है पीना और इसके लिए यही इसकी मां है। आहट का तो दूध है ही नहीं ना, आता नहीं है, लेकिन ये खुद भी इसके पास जाती है इसको पिलाने के लिए। थोड़ा सा इसको डिस्कम्फर्टेबल करो। बोलो बोलो, पहुंच गया अपनी फॉस्टर मॉम के पास, मुझे देख के भाग रहा है, राजकुमार के पीछे छुप गया। नया ये घास खा रहा है, घास ही खाता है और दूध नहीं पीता सर, ये बहुत जबरदस्ती इतना सा दूध इसको पिलाना पड़ता है। बिल्कुल इंसानों के बच्चों की तरह, जैसे इंसान के बच्चे भी दूध बच्चों को पसंद नहीं होता, जबरदस्ती पिलाया जाता है, जो कि हम गलत ही करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ अस लैक्टोज टॉलरेट नहीं कर सकते। ये चले मम्मी और फॉस्टर चाइल्ड। हाँ जी, अब मिलते हैं बघीरा से। बघीरा जी सैड लग रहे हैं, घूम के तो ये आया है लेकिन बघीरा का पेट खराब है, इसको लूज मोशन लगे हैं, लूज मोशन में ब्लड भी आ रहा है, तो हमने डॉक्टर हिमांशु को इन्फॉर्म किया है, इसने खाना भी नहीं खाया अपना। बघीरा ये सैड है क्योंकि अडॉप्ट नहीं हो रहा। अब अडॉप्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो भी इसको अडॉप्ट करना आता है, मोस्ट ऑफ द कॉल्स हमें आ रही है अभी पंजाब से, जबकि हम चाहते हैं कि ठंडे इलाकों से कॉल आए, कोई ऐसा हो जिसने बड़ा डॉग पहले पाला है, जिसको संभाल सके, इसको ग्रूम कर सके। भाई इसको इसकी सफाई करना बहुत जरूरी है और वो भी अपने में एक टास्क बन जाता है, इसको नहलाना। आप नहला रहे हो बघीरा को? तुम नहला रहे हो, मैं कैमरा पकड़ूंगा। मैं अभी उसके आगे गया तो वो मेरे पे वो हो रहा है गुस्सा। अरे रे भाई, हम तो हमारे लिए स्नैक लाए हैं। चल भाई, तो पिरोना है ना, मैं तो पिरोऊंगा। छूट गया, इसने कुनाल पे जंप मारी, कैमरा गिरा, कितना नुकसान होगा। मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा उसे। किसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन करोगे तुम? बघीरा। बघीरा के अगेंस्ट? जब कानून इन्हें बचाता नहीं तो कानून इन पे अप्लाई भी नहीं करता। क्यों खलनायक, तुम कह रहे हो पूरा उड़ेल ही रह गया पानी इसमें पहले। मेन तो इसको ना यहाँ पे ड्रूल करता रहता है ना, जो भी इसको अडॉप्ट करना है उसको यही कहेंगे पहले आप इसको नहलाओ, फिर हम देखेंगे। यार इसको तो बहुत पानी चाहिए होगा ना इसका नहलाने के लिए, तो सिर्फ आगे का ही नहलाते हैं पहले ना। हमने कल ही एक्चुअली ना वो इसका विश लिस्ट में डाला है, मजल तो डाला ही है, हार्नेस वो होती तो इसको नहलाना थोड़ा आसान हो जाता था। आहा, मजे देखो आ रहे हैं। शी, हम तो कितने गंदे और लीचर टाइप डॉग हैं। हाँ ये पिछी कर लूँगा तेको सारी, फिर पकड़ धरी की धरी रह जाएगी तेरी। एक आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। देखो अड़ मत, शुगर है, दम है पर शरीफ है, ऐसा नहीं कि नहीं तो कैसे नहलाओ ऐसे बड़े भयानक डॉगी को। इसको बड़ी सारी ट्रीट्स दे देंगे इसके बाद इमीडिएटली, ताकि इसकी एसोसिएशन सही रहेगी, जब इसकी कार वॉश होती है तो ट्रीट्स मिलती है। लेटेस्ट पीपल फार्म तुम का एपिसोड देखा तो तुम्हें पता होगा। कैंची चाहिए इसकी लटें थोड़ी सी काटने के लिए। रुक जा यार, तुम्हारा जंगलों में कैसे काम चलता है जब तुम घूम रहे होते हो वहाँ पे आवारा, और अब जब मैं तेरी कर रहा हूँ ना तो तू हिलियो मत, कुछ ऐसे इधर उधर ना कट जाए। पूछ
तुम्हें पता है डोबरमैन की लंबी पूंछ होती है और लोग काट देते हैं तो तभी वो ठूठी सी रह जाती है। उसको ओरिजिनली इसलिए पाला जाता था कि वो हंटिंग डॉग की तरह इस्तेमाल होता था। अच्छा, अब आज जिन्होंने पाल रखे हैं डोबरमैन, कौन हंटिंग कर रहा है? एक काटना तो पड़ेगा, पीछे देखा है क्या क्या काम रखा है। एक तंग आ गया, वो स्ट्रेस से ऑन कर रहा है। स्ट्रीट्स मिल रही हैं क्या? दरवाजा खुला है ना? बाय बगीरा, अब आके घुमाएंगे हम तेरे को। देखा, कुछ नहीं कहा उसने तुम्हें। चूचू बदतमीज। डोनट आई है? क्यों आई है डोनट? ये तो सनम है। कैप्टन आंख मार रहा है। कैप्टन की एक्चुअली एक ही आंख है। तो डोनट अब रेडी फॉर अडॉप्शन है? हाँ जी सर। ये तो अडॉप्ट हो जाएगी, ब्रीड डॉग। क्या कहें, ब्रीड डॉग की अच्छी किस्मत लेके पैदा हुए हैं कि इनको घर मिल जाता है, या खराब किस्मत लेके पैदा हुए हैं क्योंकि इन्हें ब्रीड किया जाता है। मैं बिना अपनी गलती के ना आपके आगे झूठा पड़ जाता हूँ। मैंने आपको कहा था मैं आपको टोफू से मिलवाऊंगा, लेकिन उस दिन वो वॉक पे महारानी खड़ी नहीं थी। दो दिन बाद मुझे मिली, मैंने वो सेक्शन शूट कर लिया, वो लंबा हो रहा था, तो कल वाले व्लॉग में आएगा। अभी मैं हॉस्पिटल आया हूँ उस बच्चिया से मिलने जिसका पैर टूटा हुआ था, तो उससे भी मैं आपको कल वाले व्लॉग में मिलवाऊंगा। और ये जो खुरलियाँ चमक रही हैं ना, ये भी हम आपको कल वाले व्लॉग में बताएंगे कैसे और क्यों।